नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे INI CET और नीट MDS में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों एक ही हैं या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसके पैटर्न में, एग्जाम में, एवरीथिंग। तो टॉपिक तो यह है कि INI CET ऑल अबाउट INI CET, मतलब इसमें आपको INI CET बारे में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैसेज लोगों को शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। INI CET जो होता है वो एग्जाम होता है सिर्फ एम्स के लिए, मतलब एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स पटना, एम्स जोधपुर, जितने भी एम्स के ब्रांच हैं, साथ ही साथ PGI चंडीगढ़ और जिपर में जो सीट्स आती है MDS की, उसके लिए एग्जाम होता है। ये क्लियर है आपको? और जो नीट MDS का एग्जाम होता है वो होता है ऑल ओवर इंडिया, जितने डेंटल कॉलेज हैं एक्सेप्ट दीज कॉलेजेस, उसमें एडमिशन लेने के लिए होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, एग्जामिनेशन में पूछने वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप नीट MDS की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट इक्वल होते हैं, मतलब चाहे वो मेडिकल सब्जेक्ट हो या फिर डेंटल सब्जेक्ट हो। मतलब नीट MDS को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो लोग क्वेश्चन पेपर को, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में डाल दिया उन्होंने मेडिकल सब्जेक्ट सारे, सेक्शन बी में डाल दिया उन्होंने नॉन मेडिकल सब्जेक्ट, मतलब डेंटल सब्जेक्ट। ये होता है सिस्टम। लगभग सबसे इक्वल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मतलब जब आप बात करेंगे नीट MDS की, तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ह्यूमन एनाटॉमी में, जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उतने ही क्वेश्चन आपको डेंटल हिस्टोलॉजी में भी पूछे जाएंगे, उतने ही क्वेश्चन आपको डेंटल मटेरियल में पूछे जाएंगे, उतने ही क्वेश्चन आपको प्रोस्टो में, इंडो में, किसी भी आप उठा लीजिए सब्जेक्ट को, लगभग इक्वल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे एनआर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हो, जनरल मेडिसिन से सिर्फ एक क्वेश्चन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये है आपका नीट MDS। बट INI CET में 90% क्वेश्चन, जो INI CET होता है उसमें 90% क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं अगर 85 में बोलूं तो 100% में सच हो जाएगा, मतलब 100% ये ट्रू है। 90% में बोलता हूं तो इट मे बी कि 90% ये सच है, 10% गलत भी है। बट अगर आप 85% लेंगे, 80-85%, तो वो कंप्लीट डेंटल सब्जेक्ट से पूछते हैं। मतलब अगर आप INI CET के बारे में सोच रहे हैं तो आपका डेंटल सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब जितना भी डेंटल सब्जेक्ट है वो सब आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पिछले 2-3 साल के आप अगर क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे INI CET की, तो आपको दिख जाएगा कि मेडिकल से वो मैक्सिमम वही 25-30 क्वेश्चन पूछते हैं आउट ऑफ 200। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 200, और बहुत अगर उन्हें बहुत ज्यादा अगर मेडिकल से क्वेश्चन पूछना हुआ तो मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन को पूछेंगे, बस खत्म। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप INI CET का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके डेंटल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका INI CET में टॉप 50 रैंक है, मतलब उनका 35 रैंक है, 39 रैंक है, 40 रैंक है, बट उसी साल जब उन्होंने नीट MDS का एग्जाम दिया तो उनका रैंक 1000 है, 1200 है, 900 है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये, उनका डेंटल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है और वहां पे सिर्फ डेंटिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसका बहुत हंसते खेलते आंसर कर रहे हैं। जैसे ही मेडिकल सब्जेक्ट पे आ रहे हैं तो आपका मेडिकल सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, तो आप उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो INI CET में सबसे अच्छी जो बात है वो यही होती है कि उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेंटल सब्जेक्ट से पूछा जाता है, ना कि मेडिकल सब्जेक्ट से। और कंडीशन ये हो रखी है आज के टाइम पे कि आपको INI CET में लगभग 80-90% क्वेश्चन डेंटल सब्जेक्ट से ही पूछते हैं, ना कि वो मेडिकल सब्जेक्ट से पूछेंगे। आपको फार्माकोलॉजी में इन सबसे आपको एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें एनआर्ट के एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिजियो के एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मतलब अगर आप INI CET के लिए सोच रहे हैं तो आप कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए डेंटल सब्जेक्ट्स पे। आपके डेंटल सब्जेक्ट्स बिल्कुल स्ट्रांग है तो आप INI CET यू क्वालिफाई कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट नीट MDS के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। अब बात करते हैं इसके कि पैटर्न क्या होती है। MCQ होता है सेम जस्ट लाइक नीट MDS, वो भी MCQ, ये भी MCQ। जो INI CET होता है इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के समय में आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहां पर प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और जैसे आपने गलत किया तो -1 हो जाएगा। मतलब यहां पर माइनस मार्किंग ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू नीट MDS। नीट MDS में 1:4 होता है निगेटिव, यहां 1:3 है निगेटिव। मतलब आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का सारे मार्क्स खत्म हो जाएंगे। तो होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि क्या पैटर्न है। यहां आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं INI CET में वो काफी ज्यादा फोकस करते हैं कि आप डेंटिस्ट्री के बारे में बहुत तह तक जान रहे हैं, मतलब बेसिक से बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए और हायर से हायर नॉलेज होना चाहते हैं। वो यही चेक करते हैं, वो डेंटिस्ट्री में सब कुछ पता होना चाहिए। और जो नीट MDS है उसमें ऐसा नहीं है, वो हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया है।
अब बात करते हैं कि क्या रहती है चांसेस, सीट्स कितनी आती है। तो ये एग्जाम दो बार होता है साल में और सीट्स डिपेंड करती है हर बार कि कब कितनी सीट आ रही है। टोटल अगर कंप्लीट वन ईयर की बात करेंगे आप तो लगभग 40 सीट्स आती है। जब मैं 40 बोल रहा हूं तो मतलब ये एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स पटना, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमर पौंडीचेरी, मैं इन सबकी बात कर रहा हूं, सबको इंक्लूड करके INICET होता है। और INICET में आपके 40-50 सीट्स होते हैं एक साल में और ये दो बार होता है साल में। तो पहला आपको ये अच्छा मौका मिलता है कि आप दो बार बैठ सकते हैं एग्जाम में पूरे साल में। और दूसरा ये कि जिनको कहते हैं ना कि मुझे मेडिकल सब्जेक्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, मुझे फार्मा नहीं समझ में आ रहा है, मुझे NRT याद नहीं हो रहा है, मुझे जनरल सर्जरी नहीं समझ में आ रही है, मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है, उनके लिए INICET बहुत अच्छा है। आप INICET में बैठिए, आपका 80-90% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डेंटल सब्जेक्ट से होगा और आप इजिली अगर आप अच्छे हैं तो आप बिल्कुल पास कर जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी सेम है, यहाँ भी ST, SC, OBC को रिजर्वेशन मिलता है, EWS को भी रिजर्वेशन मिलता है, सेम जैसे आपको नीट MDS में मिलता है, सेम यहाँ भी आपको मिलता है। बट अच्छी बात यह है यहाँ पर एक क्वालिफाइंग मार्क्स रखी जाती है, इतने मार्क्स आप लाएंगे, क्वालिफाई करेंगे, तभी आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कि INICET में क्या फायदा है, तो INICET में सबसे ज्यादा आपको मिलता है स्टाइपेंड। आप INICET के किसी भी कॉलेज में होंगे, आपका स्टाइपेंड लगभग 1,10,000 पर मंथ होगा। ये एक फायदा है, 1,10,000 और 1,15,000, आई एम नॉट श्योर बट आई एम श्योर कि 1,00,000 प्लस है। हो सकता है अलग अलग जगह पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, बट दिस इज द सिनेरियो कि हर जगह 1,00,000 प्लस आपको मिलेगा स्टाइपेंड। दूसरा आपको एम्स दिल्ली या एम्स भुवनेश्वर, एम्स का एक आपको ये मिलेगा कि आप पूरे लाइफ टाइम बोलोगे कि मैं एम्स दिल्ली से, एम्स भुवनेश्वर से, एम्स से आपका जुड़ाव हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम। तो INICET का अपना फायदा है और साथ ही साथ जो नीट MDS है उसका अपना फायदा है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है करना, यू कैन गो फॉर एनीवन इट, आपको जो भी दोनों में पसंद हो आप उसके लिए जाइए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पढ़ाई कीजिए और चाहे वो नीट हो या फिर वो INICET हो, इन बोथ केसेस पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास। और जो लोगों को लग रहा है कि कब, अभी जो लोग नीट का एग्जाम देके काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उनसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 बहुत ज्यादा ना घबराएं, बहुत जल्दी डेट आ जाएगा, फिर आप जाइएगा। और जो लोग वेट कर रहे हैं कि आपका रिवाइज कटअप कब आएगा, तो रिवाइज कटअप तभी आएगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी और सेकेंड राउंड काउंसलिंग फिनिश होगी, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें इसके लिए। उसके बाद भी जिनको लगता है कि वो फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कॉलेज की कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज ब्रांच लेना चाहिए, तो आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम लिंक अपना दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कीजिए और कोई भी क्वेश्चन आप